नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है आइसक्रीम क्लास का डे 4। डे 4 में हम बनाएंगे टेंडर कोकोनट आइसक्रीम। बिल्कुल बाजार जैसी 100% प्रोफेशनल आइसक्रीम, बहुत ही आसानी से आप घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं इस रेसिपी को देखकर। और अगर आपने नेचुरल की आइसक्रीम को ट्राई किया है तो बिल्कुल ये वैसी ही बनती है घर पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस आइसक्रीम की रेसिपी को। हंड्रेड परसेंट प्रोफेशनल तरीके से आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे इस तरीके के मेजरिंग कप। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया है 1 कप, और इसी के साथ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 1/2 कप, और इसी के साथ हम यूज़ करेंगे 1/4 यानी कि 1/4 कप। तो आज की आइसक्रीम के लिए हम ये 3 कप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, आप कोई भी बर्तन ले जिसमें आप दूध वगैरह उबालते हैं, जिसका दूध तला है यानी कि बॉटम में थोड़ा सा थिक होना चाहिए। इस बर्तन में हम डालेंगे 1 कप दूध। तो यहाँ पर ये जो मेरा कप है उसका साइज़ 250 ml है। अगर आपके पास 240 ml वाले कप का साइज़ है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ पर जो दूध हमें यूज़ करना है वो कच्चा ही लेना है, और आप यहाँ पर फुल फैट जो दूध होता है उसी का यूज़ करें, पानी मिक्स या फिर गाय का दूध का यूज़ ना करें आप यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पाउडर चीनी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप पाउडर चीनी। नॉर्मल चीनी को मिक्सिंग जार में डालकर पाउडर बना लिया है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर में हमें 1/4 कप ही लेना है इसमें। मैंने यहाँ पे ये 1/4 कप मिल्क पाउडर भी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर हमें डालना है 1 टेबल स्पून, 1 बड़ी चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। कॉर्नफ्लावर आप हमेशा अच्छी पैकिंग वाला ही यूज़ करें, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। मिक्स पाउडर भी आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसमें ताकि कोई भी लम्स ना रहे। तो हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से बन गया है। तो चलिए अब हम इसे गैस पर रखकर पका लेते हैं। दूध के इस मिक्सचर को हमें लगातार इस तरीके से चलाते रहना है, और इसे हम चलाते हुए ऐसे ही पकाएंगे। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है यहाँ पे। लो फ्लेम पर ही हमें इसे लगातार इस तरीके से चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें एक अच्छे से उबाला आने देंगे, और आप देख पा रहे हैं इसमें अच्छे से एक उबाला आ रहा है। तो इस तरीके से इसमें जब भी जैसे ही अच्छे से एक उबाला आ जाएगा, इसके बाद आप इसे बहुत ज़्यादा देर तक ना पकाएं, 30 से 40 सेकंड्स के लिए हम इसे और पका लेंगे, और उसके बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इसे लगातार आपको चलाते रहना है। अब हम इस मिक्सचर को पूरी तरह से अच्छे से ठंडा कर लेंगे, और बीच बीच में हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। आप इसे फ्रिज में रखकर ठंडा ना करें, रूम टेम्परेचर पर ही आपको इसे ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने ये जो नारियल होता है मलाई वाला, ये ले लिया है। इसकी जो मलाई है मैंने यहाँ पे ये निकाल के रख ली है। तो यहाँ पर ये एक बड़ी साइज़ का नारियल मैंने लिया था, और इसमें से काफ़ी सारी मलाई जो है वो निकल गई है। तो यहाँ पर ये प्लेट में मैंने मलाई को निकाल लिया है, और इसी के साथ साथ जो इसका पानी होता है नारियल का, उस पानी को भी मैंने यहाँ पर निकाल लिया है अलग से। और अब हम क्या करेंगे, जो ये नारियल की जो मलाई है हमें ग्राइंड करनी है, उस टाइम पे हम ये नारियल का पानी यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसका जो थोड़ा सा डार्क हिस्सा होता है मलाई के ऊपर, आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये मलाई है हमें इसे ग्राइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक मिक्सिंग जार ले लेंगे, और मिक्सिंग जार में ये सारी मलाई डाल लेंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी मलाई को बचा के रख सकते हैं, और यहाँ पर इस मलाई में हम डालेंगे ये नारियल वाला पानी, थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल अच्छे से हमें इसे ग्राइंड कर लिया है, और आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया से ये नारियल की जो मलाई है उसे हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पर नॉन डेरी विप क्रीम ले लेंगे हम 1/4 कप। तो मैंने यहाँ पे ये 1 कप इसमें विप क्रीम डाल दिया है। इसी के साथ हम 1/4 कप और ले लेंगे। तो टोटल यहाँ पर 1/4 कप विप क्रीम का यूज़ किया है। आप किसी भी ब्रांड का विप क्रीम यहाँ पर ले लें, लेकिन ध्यान रखें कि जो क्रीम है वो लिक्विडी फॉर्म में होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ जमी हुई यानी कि आइस क्रिस्टल नहीं होनी चाहिए। तो क्रीम को हम इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से विप कर लेंगे इस तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए। क्रीम को हमें इतना ही बीट करना है ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए, और इसकी जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाए। यहाँ पर हमें केक सजाने के लिए, जैसे हम क्रीम को विप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा विप करते हैं, उसे स्टिक पिकाने तक बीट करना होता है। लेकिन अगर आप जब आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसके लिए अगर आपने क्रीम को थोड़ा कम भी यहाँ पर विप किया है तो भी चलता है। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल स्मूथ और बढ़िया सी यहाँ पर हमारी क्रीम है वो विप हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे यहाँ पर कंडेंस मिल्क। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया है।
आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पर ये कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं, होममेड भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें जो नारियल की जो मलाई थी, हमने उसे ग्राइंड कर लिया था, तो यहाँ पर ये आधा कप मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो वो मलाई के छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं इसमें बारीक कट करके। और अब हम इसमें डालेंगे ये मिक्सचर जो दूध वाला हमने बनाया था। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया से ये मिक्स हमारा अच्छे से ठंडा भी हो गया, और ठंडा होने के बाद ही आप इस मिक्सचर को डालें। अगर ये मिक्सचर आपका गाढ़ा हो जाता है तो आप इसे यहाँ पर छान कर डालें। यहाँ पर अब हम इस मिक्सचर को भी इसमें डाल देंगे, और ये सारा मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया है। और अब अच्छे से हमें ऐसे एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेना है। मैं आज इस आइसक्रीम में कोई भी एसेंस यानी कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ नहीं कर ली हूँ, क्योंकि हमने इसमें फ्रेश नारियल की जो मलाई है उसे डाला है, उससे ही ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसे मैंने अच्छे से यहाँ पर ये मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रिक बीटर से एक मिनट के लिए अच्छे से इस तरीके से बीट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से एक मिनट के लिए बीट कर लिया है, ताकि जो सारी चीज़ें हमने अभी डाली हैं वो सारी अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो जाए। आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ लग रहा है ये मिक्सचर। तो चलिए अब हम इसे एक कंटेनर में डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है, इसमें हम ये सारा आइसक्रीम का मिक्सचर डाल देंगे। आप इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा जो हमने मलाई ली थी नारियल की, उसे थोड़े छोटे छोटे पीसेस करके भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट और भी अमेजिंग आता है। तो अब यहाँ पर हम इसे इस ढक्कन से कवर कर लेंगे, और ढक्कन लगा कर हम इसे रखेंगे फ्रीज़र में सेट होने के लिए लगभग 10 से 12 घंटे के लिए, या फिर आप इसे पूरी रात यानी कि ओवरनाइट भी आप इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख सकते हैं। और जब भी आप आइसक्रीम या कुल्फी को सेट होने के लिए रखें फ्रीज़र में, उसका टेम्परेचर आपको हाई रखना है। लगभग मैंने इसे 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, और आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो गई है। तो चलिए हम आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आइसक्रीम जो हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हुई है, और बहुत ही बढ़िया लग रही है ये दिखने में। तो चलिए हम इसे अब सर्व कर लेते हैं। तो आइसक्रीम स्कूपर से इस तरीके से हम आइसक्रीम को निकालेंगे, और इसका आप टेक्सचर देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल क्रीमी और एकदम स्मूथ टेक्सचर है, और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो देखा आपने 100% प्रोफेशनल तरीके से टेंडर कोकोनट आइसक्रीम बनाना है, बहुत ही आसान, बहुत ही क्रीमी और सुपर सॉफ्ट आइसक्रीम आप घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपने नेचुरल की आइसक्रीम खाई है, नेचुरल का जो आइसक्रीम पार्लर है उसकी अगर आपने टेंडर कोकोनट आइसक्रीम ट्राई की है, तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल वैसी ही आप घर पर बड़ी आसानी से ये आइसक्रीम बना सकते हैं, तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। और अगर आपने इसकी पहले वाली जो आइसक्रीम की रेसिपीज़ हैं, बटरस्कॉच आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम एंड ब्लैक करंट आइसक्रीम की रेसिपी नहीं देखी है, तो जरूर से उसे भी चेकआउट कीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी तरह की और भी रेसिपीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और सबसे पहले आकर आप हमारी वीडियो को देख पाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिए, और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।